फ्रेश ऑरेंज जूस से बना एगलेस मॉइस्ट बेकरी स्टाइल ऑरेंज केक, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम। हमेशा की तरह कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ बनाएंगे। हाय हॉटीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हैं ये तो हम सब जानते हैं। आजकल मार्केट में फ्रेश ऑरेंजेस आए हुए हैं, तो उन्हीं फ्रेश संतरों के फ्रेश जूस से आज हम एगलेस मॉइस्ट बेकरी स्टाइल ऑरेंज केक बनाएंगे। ये केक आपके फ्रेंड्स फैमिली और आपको इतना पसंद आएगा कि आज के बाद आपको हर वीक इसे बनाना ही पड़ेगा। लेकिन आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके न्यू रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट के साथ मैंने टेम्परेचर डिटेल भी दे दी है। ऑरेंज रस निकालने के लिए हम संतरे का ये ऑरेंज वाला पार्ट ग्रेट करते हैं, अंदर का वाइट वाला पार्ट नहीं। कुछ लोगों को ये बात पता नहीं होती है, इसीलिए मैं इसे क्लियर करना चाहती हूँ। ऑरेंज को तब तक ग्रेट करेंगे जब तक कि हमें 2 टीस्पून ऑरेंज जेस्ट नहीं मिल जाता। और हाँ, बेकिंग में सभी इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पर ही लेने चाहिए जब तक कि रेसिपी की कोई स्पेसिफिक डिमांड ना हो। जेस्ट निकालने के बाद हमें ऑरेंज का फ्रेश जूस भी निकालना है। आप चाहें तो मार्केट में जूस भी ले सकते हैं और चाहें तो फूड प्रोसेसर या जूसर मिक्सर ग्राइंडर से फ्रेश जूस निकाल सकते हैं। लेकिन जिनके पास फूड प्रोसेसर या जूसर मिक्सर ग्राइंडर नहीं है, वो इस तरह से मिक्सी के जार में ऑरेंज छीलकर डाल दें और पल्स पर घुमा दें। बड़े साइज़ के 2 और छोटे साइज़ के 3 संतरे तक लग जाते हैं आधा कप जूस निकालने में। देखिए, हमारा ऑरेंज जूस तैयार है, लेकिन अभी इसमें पल्प और बहुत सारे बीज हैं, इसके लिए हम इसे छान लेते हैं। और एक साइड पर रख देते हैं। अब हम जिस टिन में बेक करना चाहते हैं उस टिन को थोड़ा रेडी कर लेते हैं। और हम ये कैसे भूल सकते हैं, पार्चमेंट पेपर इज़ अ फ्रेंड व्हेन इट कम्स टू बेकिंग। लेकिन अगर हमारे पास किसी वजह से पार्चमेंट पेपर नहीं है तो हमें अपना बेकिंग टिन इस तरह से रेडी करना होगा ताकि हमारा केक नीचे से जले नहीं। मैस क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने इस तरह से नीचे न्यूज़पेपर बिछा लिया है। टिन को ऑयल से ग्रीस करने के बाद सूखा मैदा छिड़क के इस तरह से कोट कर रही हूँ। एक्स्ट्रा फ्लावर डस्ट करने के लिए टिन को उल्टा करके अच्छे से 2-3 बार टैप कर देते हैं और एक साइड पर रखते हैं। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। बेकिंग में परफेक्ट नाप का होना बहुत ज़रूरी है, तो इस तरह से जो ये स्पून्स एंड मेजरिंग कप्स मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरा सजेशन है कि आप एक बार इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। बेकिंग में सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से फ्लैट कप लेवल तक नाप कर लेना चाहिए, ना कि इस तरह ऊपर तक भर कर। अब हम एक बोल में मैदा लेते हैं। ये मेरा पहले एक बार छना हुआ मैदा है, इसे यहाँ हम दूसरी बार छानेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ज़्यादा एयरी बनाने के लिए इन्हें 2 बार ज़रूर छानें। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और एक चुटकी प्यार नमक की लेते हैं। छानने के लिए इस तरह से किसी स्पून या किसी और आर्टिकल का यूज़ ना करें, बल्कि हाथ से इस तरह से टैप करते हुए ही छानें। इससे भी हमारा मैदा और एरी बनता है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साइड पर रखते हैं और दूसरे मिक्सिंग बोल में पाउडर्ड शुगर लेते हैं और उसे भी छान लेते हैं। मैंने 1/2 कप पाउडर्ड शुगर ली है, आप चाहें तो 3/4 कप भी ले सकते हैं, मुझे मीठा थोड़ा कम पसंद है। अब इस छनी हुई पाउडर्ड शुगर में हम ऑयल ऐड करते हैं। इस ऑयल में कोई भी स्मेल ना हो, ये ध्यान रखें। साथ ही घर की फ्रेश गाढ़ी कर्ड ऐड करते हैं। हैंड विस्कर से अच्छे से विस्क कर देते हैं। किसी इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर आपके पास हैंड विस्कर भी नहीं है तो आप फॉक से भी ये काम कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट में ही ये देखिए कितने अच्छे से विस्क हो गया है। अब इसमें ऑरेंज जेस्ट ऐड करते हैं, साथ ही साथ ऑरेंज एसेंस, अगर नहीं है तो वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, या चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऑरेंज जूस भी ऐड करते हैं। सारी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छे से विस्क कर देते हैं। ये एकदम सिंपल रेसिपी है, अगर आप इसे परफेक्ट नाप के साथ बनाएंगे तो बच्चे भी बना पाएंगे। कलर के लिए मैं इसमें ऑरेंज कलर की फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। वेट और ड्राई दोनों इंग्रेडिएंट्स रेडी होने के बाद
हमें ओटीजी या कढ़ाई जिसमें भी बेक कर रहे हैं प्रीहीट कर लेना है। ओटीजी को 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए और कढ़ाई को मीडियम हाई हीट पर 15 मिनट्स के लिए प्रीहीट करें। अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स में ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स बैचेस में ऐड करें ताकि मिक्सिंग करते हुए सूखे आटे की पॉकेट्स ना बने। कट एंड फोल्ड मेथड यूज करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग करने के लिए सिलिकॉन स्पैचुला का यूज़ करें, ये मेरा एक और सजेशन है। सिलिकॉन स्पैचुला से काम बहुत आसान हो जाता है। आपको पता है इस केक की सबसे खास बात ये है कि आप इसमें मैदे की जगह कोई भी फ्लावर ऐड कर सकते हैं, इवन आप इसे ग्लूटेन फ्री भी बना सकते हैं। इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिक्स करना है। ओवर मिक्स बिल्कुल ना करें, हल्के हाथों से इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करें। वेरियस रीजंस की वजह से हर फ्लावर डिफरेंटली बिहेव करता है, तो अगर आप इसे विंटर्स में बना रहे हैं तो इसमें 1-2 टेबलस्पून हॉट वाटर डल सकता है, और अगर समर्स में बना रहे हैं तो हो सकता है बिल्कुल ही ना डले, पर आज मैंने इसमें सिर्फ 1 टेबलस्पून हॉट वाटर डाला है। इस रेसिपी में गर्म पानी ही डालें, मिल्क ऐड ना करें। ये देखिए, यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। बैटर के बन जाने के बाद इसे जल्दी से बेकिंग टिन में पोर करके प्रीहीटेड ओवन में रख देना है। एक बार बैटर तैयार हो जाता है तो उसे बोल में पड़े नहीं रहने देना है। नाइस और स्मूथ टॉप के लिए और एयर पॉकेट्स को रिमूव करने के लिए टिन को 4-5 बार अच्छे से टैप जरूर करें। मेरा एक रीसेंट बेक है एगलेस वॉलनट बनाना ब्रेड, उसे मैंने कढ़ाई में बेक किया था। अगर आप चाहें तो उसी मेथड से इस केक को भी आप कढ़ाई में बेक कर सकते हैं। टेम्परेचर को 10 डिग्री माइनस करके यानी 170 डिग्री पर अब हम इसे ओटीजी में रख देते हैं। 25 से 30 मिनट लग जाते हैं इसे बेक होने में। हमें अपने ओवन या ओटीजी की टेम्परेचर और टाइमिंग्स की डिटेल समझने के लिए अपने ओटीजी ओवन के साथ थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ता है। केक बेक हो चुका है। इसके सेंटर में एक टूथपिक डालने से अगर ये क्लीन निकल आती है तो इसका मतलब दिस इज परफेक्टली बेक्ड। अब हम इसे एक वायर रैक पर निकाल लेते हैं। वैसे तो केक बहुत अच्छे से बेक हुआ है, इसने साइड्स अपने आप ही छोड़ दी हैं, और 10 मिनट्स के बाद साइड में इस तरह से एक नाइफ चलाकर इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। हम जो कुछ भी बेक कर रहे हैं ना, कुकीज़, ब्रेड्स, केक, उसमें कॉमन क्या चीज़ है, वो जाली, वो नेट जो इसके अंदर होनी ही चाहिए। केक कट जाने के बाद वो मैं आपको दिखाऊंगी। केक के अच्छे से डीमोल्ड होने की खुशी तो आप समझ ही सकते हैं ना। हल्के हाथों से 1-2 बार टैप कर देते हैं। वाओ, बिल्कुल भी जला नहीं है, देखिए कितने अच्छे से बेक हुआ है। सो अभी हम इसे कट करेंगे, लेकिन पहले किचन टाल से इसे ढककर 2-3 घंटे तक कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के लिए इसे वायर रैक पर ही छोड़ देंगे ताकि ये नीचे से सॉगी ना हो जाए। क्योंकि ये फ्रेश ऑरेंज जूस से बना है तो इसकी शेल्फ लाइफ भी कम ही होगी। फ्रिज में तो ये 15 दिन तक भी चलेगा। विंटर्स में रूम टेम्परेचर पर 3-4 दिन और समर्स में रूम टेम्परेचर पर 2 दिन ही इसकी शेल्फ लाइफ होगी। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही केक को कट करना चाहिए। और अगर हमें इसमें किसी तरह की फ्रॉस्टिंग का यूज करना है तो हम उसे नेक्स्ट डे करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रेसिपी के सभी स्टेप्स और टिप्स आपके साथ वीडियो में शेयर करूं, पर फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। ये देखिए, इस जाली की मैं बात कर रही थी। कितना मॉइस्ट और जालीदार बेक हुआ है।
मेरी ऐसी ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज के लिए मेरे साथ बने रहें। जल्दी ही मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ।